weekend. We will hear and think it. Read and write it too. Read and write it too. Nirmiti, Center for Learning Resources, Pune. We learn English. आओ अंग्रेजी सीखें पाठ 18। आज फिर हमारे अभ्यास का दिन आ गया है। पिछले पाठों में सीखे गए कुछ नए अंग्रेजी शब्द और वाक्य आज आप फिर से सुन पाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, हम बहुत धीरे धीरे बोलेंगे। टीचर जी, आप इन वाक्यों को नोटबुक में लिख लेंगे ना, ताकि अगले भाग में बच्चों से अभ्यास कराने में आपको सुविधा रहे। स्कूल बैग यानी बस्ता। स्कूल बैग्स यानी बस्ते। नोटबुक यानी बही। नोटबुक्स यानी बहियां। रूलर यानी पटरी। रबर या इरेजर यानी रबड़। व्हाट डू यू हैव इन योर स्कूल बैग? आई हैव वन पेन, टू पेंसिल्स, थ्री बुक्स, थ्री नोटबुक्स, वन रूलर, वन रबर एंड वन शार्पनर। फिर से बोलो, क्या क्या है तुम्हारे बस्ते में? व्हाट डू यू हैव इन योर स्कूल बैग? आई हैव वन पेन, टू पेंसिल्स, थ्री बुक्स, थ्री नोटबुक्स, वन रूलर, वन रबर, वन शार्पनर। सुनने वाले दोस्तों, अब आपकी बारी है। पाठशाला या घर, आप जहां भी हो, मेरे कहे अनुसार ही बोलिएगा, बिना किसी शर्म के, बिना किसी डर के। इसी तरह बोलते बोलते आपकी अंग्रेजी सुधर समझ जाएगी। अच्छा, आज ऐसा करते हैं कि तुम सब अपने अपने बस्ते में झांक करके देखो कि उसमें क्या क्या चीजें हैं। कितनी पुस्तकें, बहियां, पेन पेंसिलें हैं, रबर छिलनी पटरी है या नहीं, सब ठीक से देख लो। मैं तुम्हें 15 सेकंड का समय दे रही हूं। रेडी? अब घंटी बजते ही टीचर जी एक लड़की या लड़के को खड़ा करेंगे। मैं पूछूंगी, तुम्हारे बस्ते में क्या है? What do you have in your school bag? उसे बताना है कि उसके बस्ते में क्या क्या है, पर अंग्रेजी में। जैसे कि I have two books, one pencil, three notebooks, one ruler। उसके बस्ते में जो चीजें हैं उन्हीं के बारे में बताना है, ठीक है? रेडी? तुम बताओ, व्हाट डू यू हैव इन योर स्कूल बैग? क्या तुम बता पाए कि तुम्हारे बस्ते में क्या क्या है? याद रखो कि उत्तर आई हैव ऐसे शुरू करना है। अच्छा, अब कोई और बच्चा?
तुम बताओ, व्हाट डू यू हैव इन योर स्कूल बैग? I have, ऐसे ही उत्तर शुरू किया ना। अब एक और बच्चा खड़ा हो जाए। तुम्हारे बस्ते में क्या क्या है ये अंग्रेजी में बताओ। What do you have in your school bag? अब एक और बच्चा। प्रश्न ठीक से समझ रहे हो ना? तुम्हारे बस्ते में क्या क्या है? What do you have in your school bag? उत्तर देते समय I have से वाक्य शुरू करना है। बोलो। वेरी गुड। यही अभ्यास टीचर जी पाठ खत्म होने के बाद बाकी बच्चों से भी करवाएंगे, पर उससे पहले प्रश्नमाला का खेल। नमस्कार, हम हैं खेल आराम। दोस्तों, हम लोग सवाल जवाब जवाब सवाल का खेल तो खेलते ही रहते हैं, बड़ा मजा आता है ना। तो आज मेरी मित्र मंडली नितिन, सागर, राधिका और लता ऐसा ही एक खेला खेलेंगे। तुम लोग भी अपनी कक्षा में ये खेला खेल सकते हो, मजा ले सकते हो। तो सुनो ध्यान से, गुनो ध्यान से, ढम ढमा ढम ढम। हेलो चिल्ड्रन, आज हम प्रश्नमाला का खेल खेलेंगे। फर्स्ट लेट मी टेल यू द रूल्स ऑफ द गेम। हम दो टीम बनाएंगे। एक टीम का एक खिलाड़ी इधर आएगा, उसे झोले में कोई एक चीज दी जाएगी। दिए गए समय में उसे उस चीज के बारे में तीन बातें बतानी है, जैसे उसका रंग, आकार या फिर कोई और खूबी, मगर नाम नहीं बताना है। उस टीम का दूसरा बच्चा उस चीज को पहचानेगा। समझ गए ना? आर यू रेडी? यस। वी विल मेक टू ग्रुप्स। बट टीचर, we have already made two groups. My name is Radhika. My name is Sagar. We are in team A. And I am Nitin. I am Lata. We are in team B. So friends, let's start. Tayar? Yes. First, team A. पहली चीज राधिका देखेगी और उसके बारे में सागर को बताएगी। Team A, your time starts now. Radhika, what do you have in your bag? I have something which we take to school. Do you have a pen? No, I don't. I have something which is green in color. Do you have a pencil? No, I don't. Oh God, Sagar, now this is the last clue. Sagar, be quick. It is very easy. Okay, tell me. वो ऐसी चीज है जिससे हम पाठ पढ़ते हैं। टाइम इज गेटिंग ओवर, हरी अप। डू यू हैव बुक्स? यस आई डू। सो टीम ए गेट्स 10 पॉइंट्स। तुम्हारी टीम को 10 पॉइंट मिले, एकदम सही बताया। अब टीम बी। नितिन, स्टैंड अप, कम हियर एंड टेक दिस बैग। देखो झोले में क्या है और लता को उसके बारे में तीन बातें बताओ। नाउ यू गिव 3 क्लूज टू लता। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। व्हाट डू यू हैव? आई हैव समथिंग व्हिच इज रेड। डू यू हैव अ पेन? नो आई डोंट।
अपने कंपस में हमेशा रहता है. डू यू हैव अ पेंसिल? नो आई डोंट. देन व्हाट डू यू हैव? जिसे हम मिटाते हैं वो चीज है. रबर? डू यू हैव अ रबर? यस आई डू. गुड, दोनों टीमों को 10 पॉइंट मिले हैं. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विथ द नेक्स्ट राउंड. सागर, स्टैंड अप एंड कम हियर. दिस इज योर बैग. गिव राधिका 3 क्लूज. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. व्हाट डू यू हैव? इट इज रेड एंड मेड ऑफ प्लास्टिक. टूथब्रश? नो, जिसे हम लाइन बनाते हैं. Do you have a ruler? Yes, I do. It's a ruler. That's right. So team A gets 10 more points. Lata, now you come and take this bag. Your time starts now. I have... Lata, be quick. Tell me, what do you have? I have something on which we write. Do you have a slate? No, I don't. I have something with lines. Do you have a textbook? No. ऐसे कोई चीज है जिस पर हम लिखते हैं. Nitin, think fast. Our time is getting over. रुक. जल्दी सोच. समय खत्म हो रहा है. Wait. Your time is over. No points for you this time. हम लोग जीत गए. We have won. Yes, but Lata, what do you have in your bag? I have a notebook. Oh no, मुझे लगा पुस्तक है. Yes, we have won the game. Team A has got 20 points. Team B has got 10 points. So today's winners are Team A. Well done, Team A. बहुत बहुत बधाई हो. खेल पसंद आया ना? आज का पाठ यहीं समाप्त हुआ. याद है ना, अगले 15 मिनट तक टीचर जी आपसे अभ्यास कराएंगे.